गरीब किसान का बेटा भी क्या कभी उद्यमी बनने के ख्वाब देख सकता है? अगर इस तरह के ख्वाब और ख्वाहिशें उसके दिल दिमाग में हैं, तो क्या वह इन्हें हकीकत में बदल सकता है? गरीब और सामान्य पढ़े लिखे युवाओं के लिए ये कभी नामुमकिन ही लगता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ने ऐसे युवाओं के लिए भी उद्यमशीलता के नए द्वार खोले हैं। अब ऐसे युवा भी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत आसानी से सब्सिडी पर ऋण लेकर अपना उद्यम लगा सकते हैं या अन्य कारोबार शुरू कर सकते हैं। प्रदेश के कई उद्यमशील युवा इस योजना का लाभ उठाकर न केवल अच्छा खासा कारोबार कर रहे हैं, बल्कि कई अन्य युवाओं को भी घर द्वार पर ही रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। हमीरपुर जिला के डेरा परोल क्षेत्र के गांव ढनवान के युवा संजीव कुमार ने भी कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद आंखों में नए सपने लेकर रोजी रोटी की तलाश में घर से निकला किसान परिवार का ये बेटा आज मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के कारण एक सफल उद्यमी बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। दरअसल 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद संजीव कुमार को नौकरी की चिंता सता रही थी। सीमित संसाधनों और कम जमीन के कारण घर में गुजारा मुश्किल था। पारिवारिक आय कम होने के कारण पढ़ाई जारी रखना भी संभव नहीं था। ऐसी कठिन परिस्थितियों में संजीव कुमार को छोटी उम्र में ही रोजी रोटी की तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ा। कुछ वर्ष पहले हैदराबाद में गद्दा बनाने वाली एक छोटी सी औद्योगिक इकाई में काम करते समय संजीव ने अपने गाँव में भी इस तरह की मशीनें लगाने का सपना देखा। आर्थिक तंगी के कारण वह आधुनिक मशीनें तो नहीं लगा पाया, लेकिन उसने घर में ही परिजनों की मदद से तकिए, टेडी बियर और छोटी छोटी गद्दियां बनाने का कार्य आरंभ किया। पैसे की कमी के कारण आधुनिक मशीनें लगाने का उसका सपना साकार नहीं हो पा रहा था। लगभग एक वर्ष पूर्व संजीव को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जानकारी मिली तो मानो उसके सपनों को नई उड़ान मिल गई। जिला उद्योग केंद्र और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन से ऑनलाइन आवेदन करने पर संजीव कुमार को स्वावलंबन योजना के तहत 25 लाख रुपए का ऋण मंजूर हुआ। उसने गद्दे, तकिए, टेडी बियर और अन्य सामान तैयार करने वाली मशीनों का ऑर्डर भी दे दिया। लॉकडाउन के कारण मशीनें लाने में कुछ देरी हुई, लेकिन इस वर्ष सितंबर में मशीनें आते ही संजीव ने काम आरंभ कर दिया। संजीव ने बताया कि 25 लाख रुपए के ऋण से उसने लगभग 15 लाख रुपए आधुनिक मशीनों पर, 5 लाख रुपए भवन पर और 5 लाख रुपए की धनराशि कच्चे माल पर खर्च की। अब वह अपने गांव में ही उत्तम क्वालिटी के गद्दे, तकिए, टेडी बियर और अन्य सामान तैयार कर रहा है। अभी एक महीने में ही उसे विभिन्न संस्थानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से लगभग 2 लाख रुपए के ऑर्डर मिल चुके हैं। संजीव की औद्योगिक इकाई में उसके भाई विपिन और गांव के अन्य 4 युवाओं को सीधा रोजगार मिला है। घर द्वार पर ही रोजगार उपलब्ध होने पर ये युवा बहुत खुश हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं कुछ टाइम पहले हैदराबाद में काम करता था, अपना मैट्रेस का काम करता था, पर मैं ये खुद का काम शुरू करना चाहता था, पर पैसों का काफी अभाव था, इस करके मैं ये काम शुरू नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए मुझे पैसों की काफी जरूरत थी, तो मुझे यहाँ आके मैंने लघु उद्योग में जाके पता किया। वहाँ मेरे को पता चला कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के द्वारा लोन वगैरह मिल रहा है, तो मैंने वहाँ ट्राई किया, तो वहाँ से मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। कोऑपरेट किया मेरे को उद्योग डिपार्टमेंट ने, बैंक से भी काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिला। उसके बाद मेरे को लोन अप्रूवल हो गया, मैं अपना काम शुरू कर पाया। और मैं अपने दोस्तों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर अपना काम करना चाहें तो इस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के थ्रू फायदा उठाएं, बहुत अच्छी योजना है ये। इसकी वजह से मैं भी अपना प्रोजेक्ट शुरू कर पाया हूँ। बाकी 4 बंदों को मैंने यहाँ रोजगार दिया है। मेरे भैया भी पहले ऐसे फ्री थे, उनके लिए भी यहाँ काम है। बाकी मेरे माता पिता भी घर पे पहले अकेले रहते थे, उनके लिए अब मैं घर पे काम कर रहा हूँ, उनके साथ रह सकता हूँ। बाकी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री साहब जी का, उनकी वजह से मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू हो पाया है। मेरे को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से 25 लाख का लोन अप्रूवल हुआ, उसमें से 15 लाख की मशीनरी आ गई, 5 लाख रॉ मटेरियल के लिए मिल गया और 5 लाख मुझे बिल्डिंग के लिए मिल गया। मैं इस 15 लाख की मशीनरी का आपको बताना चाहता हूँ। इसमें मेरी एक मशीन 3 लाख की गद्दों की है,
3 लाख की मेरी टेडी बेयर फीलिंग की है, बाकी 6 लाख की मेरी पिल्लो की मशीन है, बाकी और भी सिलाई मशीन है, टोटल 15 लाख की मशीनें आई है। मैं हमीरपुर हिमाचल से हूँ और नवीन भैया ने यहाँ पे मतलब फैक्ट्री खोली है, तो इसमें हम 3-4 लड़कों को जल्दी से रोजगार मिल गया जो लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो चुके थे। मैं पहले बद्दी भी काम करता था, लेकिन अब घर के नजदीक काम मिल गया है तो अब मुझे बद्दी जाने की जरूरत नहीं है। मैं बद्दी पहले भी 10 साल काम करके आया हूँ, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा है, फैमिली को पूरा टाइम दे पा रहा हूँ और घर के नजदीक भी है, सुबह शाम मतलब घर आना जाना रहता है, तो इस कारण अब मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस रोजगार का हम सबको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इस प्रकार मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ने न केवल संजीव के सपनों को साकार किया है, बल्कि 5 अन्य युवाओं को भी घर द्वार पर ही रोजगार उपलब्ध करवाया है।